हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, एमपीएनएचएम स्टाफनर्स की वैकेंसी बहुत ही पास आने वाली है। सो दोस्तों, उसके वीडियो आपने नहीं देखे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। हमने जो स्टाफ नर्स की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसके वीडियो वहाँ पर दिए हुए हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, एट विच स्टेज प्राइमरी टीथ आर स्टार्ट अफेयरिंग। ठीक है, जो प्राइमरी टीथ होते हैं बच्चों में, वो कौन सी एज में अफेयर होने लगते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है एट मंथ, सिक्स मंथ, वन ईयर या फिर सिक्स ईयर। ठीक है, जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो सिक्स मंथ में अफेयर होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड टिश्यू फाउंड इन ओरल कैविटी आर। ठीक है, जो हार्ड टिश्यू होते हैं वो ओरल कैविटी में कब फाउंड होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है टीथ एंड हार्ट प्लेट, या फिर गिंगिविटी एंड हार्ट प्लेट, या फिर टीथ एंड गिंगिया, या फिर टीथ एंड जॉ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है टीथ एंड जॉ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ टीथ स्टार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है टीथ स्टार्ट कौन से प्रेगनेंसी में, मतलब कौन से ईयर में या फिर कौन से ट्राइमेस्टर में टीथ का डेवलपमेंट हो जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर, या अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर, या फिर लेट सेकंड ट्राइमेस्टर, या फिर नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर इज करेक्ट आंसर, यानी जो टीथ स्टार्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलपमेंट में, वो अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्लेरिफिकेशन ऑफ टूथ ड्यू टू द एसिड प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इज सेल। ठीक है, जो एसिड प्रोड्यूस बैक्टीरिया होता है कौन से टूथ होते हैं डिक्लेरिफिकेशन होते हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन दिया है डेंटल कैरियर, या फिर पेरीडेंटल डिसीज, या फिर डेंटल फ्लोरोसिस, या फिर डेंटल एब्सोरोसिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है डेंटल कैरियर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलस इज फॉर्म इन। ठीक है, जो कैलकुलस होता है वो किस में फॉर्म होता है? ठीक है, डेंटल कैरियर में, या फिर पेरी और डेंटल डिसीज में, या फिर डेंटल फ्लोरोसिस, या फिर डेंटल एब्रेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है पेरियोडेंटल डिसीज इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवियर टूथ सेंसिटिविटी इज अ सिम्टम ऑफ। ठीक है, जो सीवियर टूथ सेंसिटिविटी होती है वो उसके सिम्टम्स क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है डेंटल इरिजन, या फिर डेंटल फ्लोरोसिस, या फिर मोलोकोलोसिस, या फिर नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डेंटल इरिजन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलिग्नेंट बिटवीन द टीथ ऑफ द टू डेंटल एचीज। ठीक है, व्हेन दी अप्रोच ईच दी अदर दी जॉ क्लोज इज सेल। ठीक है, तो ऑप्शन है डेंटल एट्रैक्शन, डेंटल एब्रेशन, या फिर ठीक है नॉन ऑफ द अबव, या फिर मोलोकुलेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डेंटल एब्रेशन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट काउस ऑफ ओरल कैंसर इज। ठीक है, जो डायरेक्ट काउस क्या होता है ओरल कैंसर के लिए? ठीक है, तो पूर ओरल हेल्थ, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, या फिर तंबाकू चेविंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है तंबाकू चेविंग इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजनल ऑर्गन। ठीक है, जो कौन से वेस्टिजनल ऑर्गन्स होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें थर्ड परमानेंट मोलर, या फिर सेकेंड परमानेंट मोलर, या फिर कैनियस, या फिर नॉन ऑफ दिस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर थर्ड परमानेंट मोलर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सीवियर प्रीमोडियल डिसीज इज अ साइन ऑफ। ठीक है, जो सीवियर प्रीमोडियल डिसीज होता है कौन से साइन रहते हैं? डायबिटीज, मिसल्स, प्रेगनेंसी, या फिर सेलियक डिसीज। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर है डायबिटीज इज करेक्ट आंसर। इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज नाउन। ठीक है, जो टंग का इसमें इन्फ्लामेशन होता है उसे क्या कहते हैं? गिंगिविटिस, ग्लोस्टिटिस, या फिर पेरोटाइटिस, या फिर ऑस्टियोमेटाइटिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्लोसाइटिस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द टीथ इज सेल। ठीक है, जो इन्फ्लामेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का और टीथ होते हैं उनको क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है स्टोमेटाइटिस, गिंगिविटिस, हेलिटोसिस, या फिर सेलेसिस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है गिंगिविटिस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिग्नेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टार्ट फ्रॉम। ठीक है, डेसिग्नेशन क्या होता है फूड ह्यूमन स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन, या फिर माउथ। इसका करेक्ट आंसर है माउथ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयरली फॉर्म ऑफ
पेरिडोंटल डिसीज, ठीक है, जो एयरली होता है पेरिडोंटल डिसीज होता है वो कौन सी होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया है पेरिडोंटाइटिस या फिर ओरल कैंसर या फिर गिंगिविटिस या फिर डेंटल केरिस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है गिंगिविटिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ डेसीडियस टीथ इन चिल्ड्रन, ठीक है, जो टोटल नंबर होता है डेसीडियस के बच्चों में कितने होते हैं, ठीक है, 16 होते हैं, 20 होते हैं या 14 होते हैं या फिर 12 होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 20 यानी 20 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है टूथ क्राउन इज फाउंड ऑफ, ठीक है, जो टूथ क्राउन होता है वो कहाँ फाउंड होता है, इनेमल, ठीक, दैट इज राइट आंसर, इसका एयर आंसर है। सो दोस्तों आज का यह पार्ट यहीं समाप्त होता है। यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, ठीक है। यदि आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सबसे वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो दोस्तों आप किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक हमें दे दीजिए, जय हिंद जय भारत।